जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम सभी को। पिछले कई सारे दिनों से हम अपनी अगली वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी और कब हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। पिछले नोटिफिकेशन में हमें बताया गया था कि जो भी बंदे क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी उसके लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए टाइपिंग कंपलसरी रहेगी। इसलिए वो टाइपिंग पहले से ही सीख के आएंगे, उसका भी टेस्ट लिया जा सकता है। तो गाइस, अगर आप लोग क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे तो टाइपिंग सीख के जाइएगा। उसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन यानी कि आज आया है 19 जनवरी 2024 को, तो आज के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो भी अग्निवीर का अप्लाई डेट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, पिछले कई सारे वीडियोस में जो भी मैंने बताया था सेम वैसे ही है। अगर कुछ बदलाव होंगे तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी नहीं जानते ढंग से एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस वैकेंसी अग्निवीर इंडियन आर्मी में अप्लाई करने के लिए आपको 8वीं 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद आपकी हाइट जो एज रहेगी, एज 17.5 से 21 साल तक परमानेंट किया गया है। एज में अगर कोई रिलैक्सेशन मिलता है या इसको आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिएगा। अभी उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। वैकेंसी आने में अभी एक महीने का टाइम है, तो लगभग बीच में अगर कोई नोटिफिकेशन आता है एज से रिलेटेड तो वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद 10+ सबसे पहले जीडी जनरल ड्यूटी की बात करते हैं, तो उसमें आपका हाई स्कूल होना चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए और 33% मार्क्स इस सब्जेक्ट में, मतलब सारे सब्जेक्ट में 33% होने चाहिए कंपलसरी। उसके बाद टेक्निशियन की बात करें जो टेक के लिए अप्लाई करेंगे आर्मी टेक के लिए, उसके लिए उनको 10+2 चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए और 40% मार्क इसमें, मतलब सभी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए। जो बंदे क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे उनका इंटर होना चाहिए 10+2, 60% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल और 50% मार्क्स इस सब्जेक्ट में होने चाहिए। और जो भी बंदे ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करेंगे एट्स, उनको पास होना चाहिए 8वीं कक्षा और 33% मार्क्स इस सब्जेक्ट में होने चाहिए। उसके बाद हाइट की बात करते हैं, तो जो भी जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करेंगे उनको 170 हाइट लगेगी। जो बंदे क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे उनको 162 रहता है, वहाँ पे वो लोग कम ज़्यादा करेंगे वो उनके ऊपर है। और जो बंदे ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करेंगे उनकी हाइट भी 170 होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपना जो डॉक्यूमेंट की, तो हमें डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, तो ये मेन कुछ डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने। तो पहले हमारा डोमिसाइल लेके जाना पड़ेगा, फिर दूसरा हमारा 10th 12th का सर्टिफिकेट रहता है, आधार कार्ड, फोटोज़ वगैरह, वो तो नॉर्मल ही है, अपनी आइडेंटिटी के सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से दिया जाता है उसका जेरोक्स आपके पास होगा ही, वो लेके जाना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, मैरिज सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा NCC सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो सारे आप लेके जा सकते हैं। तो यह इन्फॉर्मेशन थी, यहीं तक थी। आगे अगर आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन होगी तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।